चलो अभी सफाई का टाइम हो गया तो ये लोग मंदिर घूम लेते हैं। मंदिर के भीड़ों में जगह नहीं है, रात में और ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ पे दिन की तुलना में। Thank you.
अभी नहीं बजाना भैया, वन मंदिर मंदिर ओ मैं अभी नहीं बजाना, वन मंदिर मंदिर इसलिए बोल अभी मंदिर बंद दे नहीं बजाना, चलो मंदिर बंद है तो नहीं बजाना कौन सा फिल्म है ना गेट यहाँ से बलि हो रही है तो गाइस मेरा निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे रात भर रहने का प्लान नहीं है यहाँ पे। और एक गेट है उधर, ये गेट शॉर्टकट है, आप लोग इजीली आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, बट इसमें एक लोचा है। दोस्तों शाम होने का बाद और ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, दिन में जितना भीड़ था मैं जब गया था उससे और ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पूछा तो बताया जा रहा है कि रात में यहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं होगा क्योंकि आरती होगा 8:30 बजे से आरती होगा, ठीक है, और ज़्यादा भीड़ होगा, देख सकते हैं कितना भीड़ है। और कल मंदिर खुलेगा तो आज से ही लाइन लगाना चालू हो जाएगा दर्शन के लिए। जब आप इसमें से एंटर कर रहे हैं आपको एग्जिट कर रहा है उधर से, और अगर उधर से एग्जिट कर रहे हैं इधर अगर कोई जूता चप्पल रखे हैं कोई दुकान में तो वहाँ से आप ले नहीं सकते, आपको फिर घूम के आना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा यहाँ से एग्जिट नहीं करने का, घूम के फिर यहीं से निकलने के लिए एग्जिट आऊँगा। ये शॉर्टकट है, बहुत ही शॉर्टकट है, जल्दी पहुँचा देता है। तो अभी निकल रहा हूँ, अभी भी भीड़ हो रहा है, रात में और ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ पे। अभी भी भीड़ हो रहा है, रात में और ज़्यादा भीड़ होगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा रात में जगह दिन में आ जाइए, दिन भर रहिए, शाम को चले जाइए। और अगर आप लोग वहाँ होटल वोटल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रात भर में रात भर में भी रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यही गेट से मैं आया था, यही गेट से मैं निकल रहा हूँ, उस गेट से निकलेगा तो चप्पल लेने के लिए घूम के आना पड़ेगा। मैं बोतल लूंगा, पाउच नहीं लूंगा। सो गाइस, आने का टाइम का जो वीडियो था वो मेमोरी कार्ड से किसी भी तरह से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, वो फाइल सपोर्ट ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैं यही रास्ते से आया था सुबह को, ठीक है,
और यही रास्ते से मैं रिटर्न भी जाऊंगा। ये रास्ता बहुत ही सेफ भी है और आपका ढलान है बोल के आपको ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगा। हार्डली आपको 25 से 30 मिनट लगेगा आपको चल के जाने में। और यहाँ से आपका पूरा गुवाहाटी का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितना मस्त का व्यू आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और ऐसे आपको फोर्स का जवान मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये रहा आपका पूरा नाइट का व्यू गुवाहाटी का, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये रास्ता भी जाता है कामाख्या, पर वो थोड़ा सा घूम के जाता है और सीधा जाके जैसे मुड़ जा रहा है लेफ्ट को ही राइट को रास्ता, वहाँ से जाने से थोड़ा सा शॉर्ट गिरता है और इधर से जाने से लॉन्ग गिरता है। और ऐसा शेल्टर बना हुआ है तो आप अगर सुबह का टाइम भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा उतना, क्योंकि धूप लगेगा नहीं, शेल्टर बना हुआ है। यहाँ से सीधा अब चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है तो मैं निकल रहा हूँ। मेरे गुवाहाटी से मुझे ट्रेन भी है तो मैं रात में रुक नहीं पाऊँगा। हालांकि भीड़ अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि आ ही रहा है, ठीक है, दर्शन करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये है गेट, वाला वीडियो हम लोग इस गेट से आए थे, और एक गेट है उस गेट से थोड़ा सा लॉन्ग गिरता है और जाम भी ज़्यादा रहता है। हम लोग इस गेट से आए थे और इसी गेट से, ये देखिए शेल्टर बना हुआ, इसी के बीच से चले जाना है एकदम। अभी भी आ ही रहा है मंदिर दर्शन करने के लिए, रात को बज चुका है 8, अभी भी दर्शन करने के लिए आ रहा है मंदिर। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा स्टेशन के तरफ। एंट्री के